नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षकगण और शिक्षिकाएं। दोस्तों, आपका जो संधि का क्लास चल रहा है, आज तो सातवें नंबर क्लास है, सेवन्थ नंबर का क्लास है। हमने वर्ण विचार कुला विधिवत खत्म कर लिया, संधि में स्वर संधि हमने विधिवत खत्म कर लिया। जो बच्चे देखे होंगे उनसे पूछ लीजिए, या फिर जो बच्चे नहीं देखे हैं उनसे आग्रह है, विनती है हमारी कि भैया आप लोग लापरवाही नहीं करेंगे, आप लोग पिछला क्लास देखते हुए आएँ। अगर छूट भी जाता है तो आज यह लाइव क्लास देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो पिछला क्लास है उसे ज़रूर देख लेंगे। और आप जितने बार चाहें दोस्तों, हज़ारों बार चाहें, रिवीजन करें। कन्फ्यूजन होता है तो रिवीजन करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका ईवीएस हो गया, मतलब कि इन्वायरमेंट पोर्शन हो गया, और आपका जितने भी सब्जेक्ट होते हैं यूपी टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में चला दिए जाएँ, तो आपसे सिर्फ एक ही इच्छा है हमारी, सिर्फ आप मेरे मित्र। अगर आपको लास्ट तक पहले बने रहिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करिए। बस हमारी इच्छा यही है कि आप लास्ट तक बने रहिए, और लास्ट तक बने रहने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है सेशन, तब आप जाके शेयर करिए। अगर हमारी इतनी बातों को, इतनी सी बात को अगर आप मानते हैं, तो हम बताते हैं आपको, अगर आप 200 लाइक तक पहुंचा देते हैं, जिस दिन 200 लाइक आ गया मेरे किसी भी क्लास पे, उस दिन से आपका ईवीएस हो गया, चाहे जितने भी क्लास हैं बाल विकास, चाहे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सब चला दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री विथ पीडीएफ। याद रखिएगा दोस्तों, सारी चीज़ें, या हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, या फिर किसी भी तरह आपको यह नहीं कह रहे हैं कि आप शेयर ही करिए। आपको सिर्फ हम यह बता रहे हैं, जिस दिन आपको यह क्लास अच्छी लगी, जरूरी नहीं है यह क्लास मेरी अच्छी लगे आपको, है ना, लेकिन जिस दिन हमारी क्लास आपको अच्छी लगी उस दिन आप शेयर करिए। हम यह नहीं कहते हैं कि आप, अगर आपको रोज़ की क्लास अच्छी लगती है तो आप रोज़ शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट हैं और आपके लिए हम पसीना बहा सकते हैं, तो आप हमारे लिए सिर्फ छोटा सा काम नहीं कर सकते। शेयर करिए, दबा के शेयर करिए। दोस्तों, हमने स्वर संधि के बारे में बिल्कुल विधिवत पढ़ा था, अब आ जाइए यहाँ पे, कोई भी इधर उधर का बात नहीं, आराम से आप लोग देखिए। ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब के सब आपके यूपी टेट में पूछे गए हैं, और इनसे हम इस तरह के क्वेश्चन, ये तो कम क्वेश्चन है ही, इसके बाद हम बहुत सारे आपका प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसमें हम इतने क्वेश्चन से कम नहीं तो 50 क्वेश्चन करेंगे, आप लोग देखिएगा। तो जो स्वर संधि में हमने बताया था, पहले तो संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि में पांच प्रकार की होती हैं, आपको हमने बताया था क्रम से। सबसे पहला आ जाता है आपका दीर्घ संधि, फिर आ जाता है आपका गुड़ संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यण संधि, फिर उसके बाद अयादि संधि, यही तो होता है। यह हो गए पाँचों के पाँचों। अब इन पाँचों के में हमने क्या पढ़ा था, जो पहला संधि था आपका स्वर संधि में, जो पहला था दीर्घ संधि, इसमें हमने यही पढ़ा था, चाहे ह्रस्व प्लस दीर्घ हो, चाहे दीर्घ प्लस दीर्घ हो, चाहे दीर्घ प्लस दीर्घ हो, चाहे प्लस ह्रस्व प्लस ह्रस्व हो, कोई भी अ प्लस आ हो, ई प्लस ई हो, बड़ा छोटा कुछ भी हो, लास्ट में हमेशा दीर्घ ही मिलेगा। यह हमने बताया था आपको दीर्घ संधि में। इसके बाद आ जाता है गुड़ संधि। गुड़ संधि में हमने आपको यह बताया था दोस्तों कि अ आ के बाद ई ई अगर आता है तो हमेशा ए बनता है, ए ए नहीं ए बनता है। अगर अ आ के बाद उ आता है, छोटा उ बड़ा उ आता है, तो हमेशा ओ बनेगा। यानी कि ए और ओ किस में बनता है, तो बताएंगे गुड़ संधि में बनता है, यही पहचान है गुड़ संधि का। तीसरी बात हमने आपको यह बताई थी मित्रों, हमारे साथियों, हमारे शिक्षकगण, आपको यह बताया गया था कि कौन सी संधि है तीसरी, पहले वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की बात आएगी तो उसमें भी आ तो पहले ही आएगा, आ तो पहले ही आएगा, लेकिन लास्ट में, मतलब कि दूसरे वर्ड का पहला अंक, जो पहला स्वर जो रहेगा वो क्या रहेगा, आप बता देंगे ए ए ओ औ रहेगा। अगर ए ए आता है अ आ के साथ तो हर कंडीशन में ए बनेगा। गुड़ संधि में ए बनता था, वृद्धि संधि में ए बनेगा, और इसके पीछे एक ए आएगा अ आ के साथ। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कल का, आज रिवीजन चल रहा है, याद रखेंगे। और दूसरी बात, वृद्धि संधि में ही आ के बाद अगर ओ ओ आता है, आप लोग हमारे साथ बोलते रहिए कमेंट बॉक्स में, सारे बच्चे बोलते रहें, लिखते रहें, आ के साथ अगर ओ ओ आता है तो हर कंडीशन में ओ बनता है, ओ ओ नहीं ओ बनता था गुड़ में, ए बनता था गुड़ में, ए और ओ बनेगा वृद्धि में, बात क्लियर। चौथे पे चलते हैं, यण संधि पे चलते हैं। यण संधि में जो आ आता था, आ का झंझट खत्म, जो गुड़ में आता था बाद में, वही यण में आ जाएगा पहले, उसके बाद कोई अन्य स्वर आए, अगर ई के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो या फिर या बनेगा, या फिर या बनेगा, बात क्लियर है। अगर यण संधि में उ के बाद, छोटा उ बड़ा उ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो वह या फिर वा बनेगा,
वह तब बनेगा जब दीर्घ स्वर आएगा और वह तब बनेगा जब ह्रस्व स्वर आएगा। इसके बाद एक और कंडीशन है, ऋषि जो हम लोग का 11वां स्वर है, स्वर में 11 होते हैं ना, तो 11वां स्वर ऋषि है, और अगर व्यंजन की बात करें तो 33 होता है, हमने बताया है। तो ऋषि के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो हमेशा अर बनता है, यह था हमारा यण संधि। अब चलते हैं अयादि संधि पर। अयादि संधि पे हमने यह पढ़ा था दोस्तों, अगर गलत होता है तो आप बताइएगा दोस्तों, है ना, बिल्कुल भी आप बता सकते हैं, गलती अगर मुझसे हुई तो आप बताइए, अगर सही है तो भी लिखिए, सही है फटाफट बताइए, सही है ना, आगे चलें फटाफट दोस्तों, सही है ना, चलिए आगे चलते हैं। अगर अयादि संधि की बात करें, अयादि संधि में जो अ आ था वह तो नहीं आएगा क्योंकि वृद्धि तक ही वह रुक गया, इसके बाद इ ई उ आ चुका है, अब आएगा ए ऐ और औ औ, ओ औ ए ऐ और ओ औ आगे आएगा, इसके बाद कोई अन्य स्वर आएगा, अगर ए मतलब कि ह्रस्व के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो अय बनता है, अय अय के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो आय बनेगा, बात क्लियर है, ए के साथ कोई अन्य स्वर अय, अगर आय के साथ कोई अन्य स्वर तो आय, बात क्लियर, ओ के साथ कोई अन्य स्वर आओ, आओ के साथ कोई अन्य स्वर तो आओ, बात क्लियर, ये अयादि संधि हो गया। अब रिवीजन पे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, उत्तम प्लस अंग, यहाँ पे अ छुपा हुआ यहाँ पे भी है, क्या बनेगा, उत्तमांग, उत्तमांग बनेगा, यहाँ पे दीर्घ आ गया, मतलब ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, पहला क्वेश्चन ये बनेगा, इसको सही करिए, तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, कौन सी संधि है, चौथा क्वेश्चन मतलब तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा, यह दे देगा पहचानिए कौन सा संधि है, ठीक है, इस तरह के हर क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे, अब इसको ध्यान से पढ़ते रहिए, दैत्य प्लस अरी तो क्या बनेगा, बताइए, लिखते रहिए आप लोग, दैत्यारी, दैत्यारी में या आ रहा है, दीर्घ बन रहा है, यानी कि यह भी दीर्घ संधि, शिव प्लस अयन दोस्तों, शिव प्लस अयन, शिवायन, शिवायन, यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, हस्व हस्व दीर्घ बनाता है तो क्या बनेगा, शिवायन दोस्तों, सही हो रहा है तो थम्स अप देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए जिससे आपको सारी जानकारी समय पे मिलती रहे। यह क्लास डेली 9 बजे होता है, आपको पता होना चाहिए, मैथ का क्लास डेली 11 बजे सुबह होती है, जो बच्चे नहीं जानते हैं आप उनको सेंड करिए, अपने कॉलेज में सेंड करिए, हमारे सारे पुराने बच्चे आने चाहिए इस प्लेटफॉर्म पर, बस याद रखिए दोस्तों। शब्द प्लस अर्थ, शब्द प्लस अर्थ का मतलब हो गया क्या बनेगा, शब्दार्थ बनेगा, शब्द अर्थ, यहाँ भी आ गया, इसका मतलब यह भी दीर्घ संधि, कवि प्लस इच्छा क्या बनेगा, कविच्छा, कविच्छा, यहाँ पे कवि आया ना तो यह वाला बनेगा, बड़ी ई रहेगा ना, बड़ी ई, कविच्छा, मतलब यह भी दीर्घ संधि दोस्तों। वधु प्लस उल्लास क्या बनेगा, वधुल्लास, वधुल्लास, यह बनेगा, यह भी दीर्घ संधि दोस्तों। इतनी बातें क्लियर हुई तो हम आगे चलते हैं, बताइए, यह सब दीर्घ संधि का एग्जाम्पल था, आपसे यहाँ से किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन देकर पूछ देगा कि कौन सी संधि है, या फिर आपको संधि विच्छेद या फिर संधि को जोड़ने के लिए दे सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, 9 प्लस ऐश्वर्य, 9 प्लस ऐश्वर्य, अब बताइए कौन सी संधि है, पहले इसको हम देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे अ है, यहाँ पे ए है, तो अ और ए किस में आता था, अ और ए सारा सर आता था जो है वृद्धि संधि में, ए तो वृद्धि संधि में आता था ना, ई ई उ आता था गुण संधि में, तो यहाँ जाहिर सी बात है सर, यह तो हमारा वृद्धि संधि होगा सर, जोड़ने पे क्या बनेगा, नवेश्वर, नवेश्वर, नवेश्वर्य, क्या बनेगा, नव ऐश्वर्य या फिर नवेश्वर्य, है ना, यही बनेगा ना, नव ऐश्वर्य बनेगा ना, क्या बनेगा, नवे स्वर्य, यही बनेगा दोस्तों, यही बनेगा, ए आ जाएगा, ए बन जाएगा। यहाँ पे सर्वदा में क्या बनेगा, सर्वदा प्लस ए है तो यहाँ पे ए आ गया, मतलब यह भी हमारा वृद्धि संधि है, तो आ के बाद ए आएगा तो वृद्धि संधि यानी कि सर्वदेव, क्या बनेगा दोस्तों, सर्वदेव बन जाएगा, ठीक है, मामला फिट हो रहा है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जोश अंदर जोश होनी चाहिए, सिर्फ सारी चीज़ें आप आराम से फोड़ सकते हैं, हार नहीं मानना है, हम रात तक आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी आराम से दोस्तों शेयर करना है सेशन, अपने मित्रों को जोड़िए सिर्फ आप। अब देखिए, वन प्लस औषधि क्या होगा, वनौषधि, क्या होगा, वनौषधि, वनौषधि होगा, वनौषधि, वनौषधि, ओ किस में आता है, दीर्घ में आता है, तो यानी कि सॉरी वनौषधि होगा दोस्तों, वनौषधि होगा, वन औ औ, यहाँ पे ओ आया है ना, इस वजह से औ होगा, अगर केवल आपका क्या आया होता, ई ई उ आया होता तब ओ हो जाता, अगर उ आया होता तब यहाँ पे ओ होता, लेकिन आया है औ और ओ,
ओ आया है तो इस वजह से अ हो गया, वनौषधि दीर्घ संधि। अब इसकी बातें इसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट तीन जो है देखिएगा, उप प्लस इंद्र क्या होगा, उपेंद्र होगा। कौन सी संधि है, कौन सी, गुड़, क्योंकि ए आ गया इसमें। देखिए गुड़ नहीं दोस्तों, गुड़ कहाँ से हो जाएगा, हाँ गुड़ ही तो होगा, ए आया है ना, ए आया है तो गुड़ संधि होगा। अगर अय आया होता, अगर अय आया होता अय, तो वृद्धि संधि होता, जैसे इसमें आ रहा था सर्वोदा सर्वदैव है ना, सर्वदैव, यहाँ पर भी नवय सर्व, नवय सर्व, नवय अय आ रहा था अय। अगर गलत लिख दिए हो तो फिर से लिख देते हैं नवय स्वर, यह आएगा, यह होगा इसका अर्थ दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद इस पे चलते हैं, बाल प्लस इंदु में तो क्या हो जाएगा, ई आया है, ई के बाद हमेशा क्या बनता है, ए बनता है ना, ऊ के बाद ओ बनता है, तो बालेंदु क्या हो जाएगा, बालेंदु दोस्तों, ठीक है, बालेंदु, बालिंदु नहीं करिएगा, बालेंदु सही है। यह देखकर आपका पूछ देगा कौन सी संधि है, तो बताना होगा गुड़ संधि है, ठीक है। यहाँ पे देखिए महा प्लस ईश्वर तो बता देंगे महेश्वर, महेश्वर, ए आ गया मतलब कि यह भी आपका गुड़ संधि हो गया दोस्तों। बातें क्लियर हैं, आप इसको छाप लीजिए एक बार, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आप रिवीजन करिए, सिर्फ ज़्यादा टफ थोड़े आते हैं, ठीक है ना। आपको टीजीटी पीजीटी वाला भी क्वेश्चन कराएंगे, देखिएगा आप लोग उसको कराएंगे पीडीएफ से। यहाँ पे देखिए अधि प्लस अयन, अब यहाँ पे छोटी ई आ गई, यहाँ पे अ, किस में आता था पहले बता देंगे, यड़ संधि में, यानी कि यड़ संधि तो है यह भी, और यह भी यड़ संधि होगा, क्योंकि इसमें भी ई पहले आ गया, ये दोनों यड़ संधि में आ गए, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई के बाद अगर अ आता था तो अध्ययन हो जाएगा, यहाँ पे अ बनता था, यह तो अध्ययन। अब कितने बच्चे को अगर यह दे दिया जाए, बोला जाए कौन सी संधि है, तो मारेंगे व्यंजन संधि, लेकिन उनको नहीं पता यहाँ पे अ छुपा हुआ है, है ना, ठीक है। यही सब त्रुटियाँ हैं जो आप लोग को सुधारनी है। अत्यधिक यहाँ पे सिंपल सा है, अत्यधिक बनेगा, कौन सी संधि है बता देंगे, गुड़ संधि है दोस्तों, है ना, चलिए सॉरी गुड़ संधि बोल दिया आपने, यण संधि, यण संधि है दोस्तों, यण, यह भी यण होगा और यह भी यण होगा, दोनों यण संधि है, क्योंकि यहाँ पे अध्ययन बन रहा है, यहाँ पे अत्यधिक बन रहा है दोस्तों, सॉरी माफ़ी चाहते हैं गलत निकल गया, यण संधि बोल दिया है ना, यण संधि ही होगा, और गुड़ संधि हमने बोल दिया था, गुड़ संधि नहीं होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए गय प्लस अक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसको माना जाता है, तो बना देंगे गायक। आपको सिर्फ यह पहचानना है यहाँ पे आया है अय, अय, अय आया है, ए नहीं आया है, अगर ए आया होता केवल ए, तो हम इसको लगाते यड़ संधि, ई यड़ संधि बोल रहे हैं दोस्तों, देखिए क्या हो जा रहा है दिमाग से, ई और उ, छोटा उ बड़ा उ, अगर ये आएगा आगे तब तो लगाएंगे यड़ संधि, और ए अय ओ और ओ अगर आता है तो हम लगाएंगे अयादि संधि, ए ए के बाद आय बनेगा, ओ ओ के बाद आओ बनेगा, यही तुमने बताया था। यहाँ पर देखिए गायक बना, आय बना, आय बना तो मतलब ए आया है, आय आय आया है ना, आय के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, तो ये हो गया आपका अयादि संधि। सिर्फ इसी तरह इसको देखिए, श्री प्लस अन क्या होगा, श्रवण होगा, श्रवण, श्रवण बोल सकते हैं, श्रवण बोल सकते हैं, तो श्रवण इसमें क्या आ गया, औ आ गया, औ आ गया ना, औ किस वजह से आया, आपको दिख रहा है ना, औ औ औ आएगा दोस्तों, देखिए थोड़ा सा अपवाद भी होता है कुछ, इसको देखिए इसमें भो प्लस अति है, भो प्लस अति का क्या होगा, भवती, क्या होगा दोस्तों, भवती, भवती में यहाँ पे औ दिख रहा है, यहाँ पे ओ दिख रहा है, ओ और औ के बाद हमेशा अव और आव आता है, ओ अगर आपका हस्व है उसके बाद अव आएगा, अगर अव है दीर्घ है उसके बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो हमेशा आव आता है। हमने सारी चीज़ें आपको बता दिया, अगर आपको कन्फर्म हुआ तो आप डिसलाइक तो नहीं करेंगे भैया, डिसलाइक जो करते हैं बच्चे, हमको कोई परेशानी नहीं होती है ना, बल्कि उनके ही नेचर के बारे में पता चल जाता है ना, डिसलाइक अगर करते भी हैं महादेव जी तो आप बता दें क्यों करते हैं, क्या सुधार करनी चाहिए हमें, है ना। चलिए अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए दोस्तों, सिर्फ एक उम्मीद रहती है आपसे और कुछ नहीं, हम सारी चीज़ें फ्री में देंगे, आप बिल्कुल भी विश्वास करिए, सारी चीज़ें फ्री में देंगे, या पसीना सिर्फ आपके लिए बहाया जाता है, तो सारी चीज़ें हम आपको फ्री में देंगे, सिर्फ आप एक चीज़ हमारी बात मानिए, कोई बच्चा भी यहाँ से जब तब तक नहीं जाएगा जब तक शेयर नहीं कर देता है दोस्तों, शेयर करके ही जाइए, सिर्फ एक उम्मीद होती है आपसे, तो आप ही इस चैनल को अपनी फैमिली को बड़ा कर सकते हैं दोस्तों, बड़ा करिए, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, सारी मटेरियल हम आपको फ्री में देंगे, सिर्फ आप डिपेंडेंट हो जाइए करेंट हीवन चैनल पर, दिमाग में घुसा लीजिए करेंट हीवन चैनल, अपना चैनल, अपना फैमिली, अपने घर की तरह है सिर्फ, फिर उसके बाद आप वर्क करिए।
ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें फ्री में पढ़ाई जाएंगी, है ना। जितने क्लास आते हैं आप रेगुलर देखिए, और अपने जो साथी हैं उनको भी बताइए दोस्तों। धन्यवाद।